डेटर्स मैनेजमेंट की शुरुआत हमने पढ़ ली थी और हमने कहा था कि डेटर्स को मैनेज करना मतलब ह्यूमंस को मैनेज करना, और ह्यूमंस को मैनेज करना मतलब बड़ा मुश्किल काम है यार। और इसमें तीन हमारे एस्पेक्ट थे, एक तो क्रेडिट पीरियड डिसाइड कर लें यानी कि क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी हो गई 2 मंथ्स, तो उसके बाद ये डिसाइड कर लें कि किसको हम क्रेडिट सेल्स करेंगे और किसको हम क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे, वो बंदे की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में नंबर 3 हमने कहा था कि क्रेडिट कलेक्शन हमको देखना चाहिए साथ में, कि एक बार माल बेच दिया तो फिर रिकवरी पर कितना एफर्ट डालें, दैट वी शुड कंसिडर। फिर हमने बोला कि जब हम क्रेडिट पीरियड डिसाइड कर रहे हो कि कितने दिन की उधारी पे माल बेचे हैं, 30 डेज 60 डेज 90 डेज, व्हाट शुड बी द क्रेडिट पीरियड, तो हमको कुछ फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, एक तो अगर आप लिबरल क्रेडिट देते हैं तो यू विल हैव मोर सेल्स, हैंस मोर वेरिएबल कॉस्ट, हैंस मोर कॉन्ट्रीब्यूशन। बट क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से डेटर्स बढ़ेंगे और डेटर्स बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी तो यू विल हैव टू बोरो मोर मनी टू फंड दैट वर्किंग कैपिटल, ऑन दैट एक्स्ट्रा लोन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट, दैट इज अ लॉस, दैट्स अ कॉस्ट। फिर ज्यादा लिबरल हो जाएंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे और बैड डेट्स होने लग जाएगी बिजनेस में ज्यादा। फिर ज्यादा लिबरल होंगे तो ज्यादा कस्टमर, तो कलेक्शन पे अफोर्ड करने पड़ेंगे ज्यादा। अगर आप लिबरल होते हैं तो जहां एक फायदा है वहीं पर 3 नुकसान भी आपको हो जाएंगे। अगर नेट फायदा है तो प्रपोजल एक्सेप्ट और नेट नुकसान है तो प्रपोजल रिजेक्ट। उल्टा भी हो सकता है, जब आप स्ट्रिक्ट होंगे, अर्लियर यू वर ऑफरिंग 60 डेज क्रेडिट, नाउ यू हैव स्टार्टेड ऑफरिंग 30 डेज क्रेडिट, इन दैट केस सेल्स विल रिड्यूस बिकॉज यू हैव गॉन स्ट्रिक्ट, सेल्स विल रिड्यूस, हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन विल रिड्यूस, तो ये प्लस पॉइंट होने की जगह हो जाएगा माइनस। और जो 3 माइनस पॉइंट हमने पढ़े थे वो बन जाएंगे प्लस, लाइक जब डेटर्स रिड्यूस होंगे तो इंटरेस्ट कम लगेगा, दैट्स अ सेविंग। बैड डेट्स कम होने लगेगी स्ट्रिक्ट होने से, दैट्स अ सेविंग। कलेक्शन एक्सपेंसेस कम होने लग जाएंगे अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, तो दैट इज अनदर सेविंग। तो इट ऑल डिपेंड्स। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इंक्रीज इन इनकम इज अ प्लस पॉइंट and decrease in income is a minus point. Increase in expenditure is a minus point and decrease in expenditure is a plus point. बहुत छोटी सी बात है but जब question में आती है तब गड़बड़ कर देते हैं हम, इसलिए हम इसको note कर लेते हैं। लिखिए, सबसे पहले एक सिंपल ऐसे लिख लें नोट, नोट का पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन इनकम वहां आप साइन लगा लो प्लस, फिर डिक्रीज इन इनकम माइनस, फिर लिखें इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्या लिखा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर प्लस है कि माइनस, माइनस। फिर लिखें डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर decrease in expenditure is plus। एक question solve कर लेते हैं तो सारी बातें clear हो जाएगी। decision making का question है, हमको ये तय करना है कि credit policy, new credit policy हम adopt करें या नहीं। इस question को solve करने के 2 तरीके होंगे, एक existing credit policy है, एक new credit policy। या तो दोनों का सेपरेट इवेल्यूएशन कर लो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी पूरी अलग, न्यू पॉलिसी पूरी अलग, दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर इंक्रीमेंटल रिप्लेसमेंट डिसीजन कैपिटल वेस्टिंग में,
वैसा इंक्रीमेंटल कर लो कि आप हर एक पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन कितना चेंज, बेड डेट्स कितनी चेंज, इंटरेस्ट कितना चेंज, कलेक्शन एक्सपेंसेस कितने चेंज, फिर चेंजेस का नेट निकाल ले। अगर नेट पॉजिटिव आ जाए मतलब नई पॉलिसी बेटर है, और अगर नेट नेगेटिव आ जाए मतलब पुरानी पॉलिसी बेटर है। एक क्वेश्चन को हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पढ़ के देखिए एक बार आप। चेक करिए, दो वर्किंग नोट नोट करिए इनको। फिक्स कॉस्ट जब भी पर यूनिट होती है ना, पहले तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 1 रुपए आई कहां से ये? एग्जैक्टली, वेरिएबल कॉस्ट इज 3 एंड टोटल कॉस्ट इज 4, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज रुपी 1। फिर ये 2 लाख यूनिट कहां से आ गई? 10 लाख की सेल्स डिवाइडेड बाय 5 रुपए सेलिंग प्राइस, 2 लाख। अभी 2 लाख यूनिट जब सेल होती है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई 2 लाख। फिक्स कॉस्ट जब भी पर यूनिट दी हो ना, तो जिस लेवल पे वो पर यूनिट दी है उन यूनिट से उसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाती है टोटल फिक्स कॉस्ट। एक बार टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई फिर वो तो फिक्स्ड है, 2 लाख ही रहेगी। ये वर्किंग नोट हो गया हमारा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों सोल्यूशन दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए टोटल में भी और इंक्रीमेंटल में भी। पहले हम टोटल में कर लेते हैं इसको सॉल्व, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट इसलिए कि 3 इवैल्यूएशन करने हैं, एग्जिस्टिंग का और 2 प्रपोजल्स का। क्वेश्चन समझ में आया पढ़ के आपको? हाँ, कोई लाइन नहीं समझ में आई तो पूछो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेज योर हैंड, फील फ्री टू आस्क। ओके, तो अब क्वेश्चन में 3 प्रपोजल इवैल्यूएट करने हैं, एग्जिस्टिंग और 2 प्रपोज्ड। तो 3 बार सारी स्टेप्स बनाओ, 3 बार सारे पर्टिकुलर्स लिखो। इससे अच्छा एक स्टेटमेंट बना के उसमें अमाउंट के 3 कॉलम बना लेते। अगर एक ही पॉलिसी होती ना तो हम सिंपल स्टेप फॉर्मेट में कर लेते, जैसे वर्किंग कैपिटल में करते हैं। स्टेप नंबर 1 रॉ मटेरियल, स्टेप नंबर 2 वर्किंग कैपिटल, एक चैप्टर याद आया धुंधला सा। हाँ, रॉ मटेरियल स्टेप 1, WIP स्टेप 2, फिनिश गुड स्टॉक स्टेप 3, स्टेप फॉर्मेट में कर लेते। लेकिन जब 2 साल की बात आ गई थी तो उसमें हमने कॉलम फॉर्मेट लगा दिया। तब 3 पॉलिसी है तो कॉलम फॉर्मेट से हमारी मेहनत थोड़ी बचेगी। एक कॉलम पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम अमाउंट के।
एक एग्जिस्टिंग और एक पॉलिसी वन और एक पॉलिसी टू और पर्टिकुलर्स, और इसमें हमको बताना पड़ेगा सबसे पहले सेल्स विच इज एक्चुअली 10 लाख. और पॉलिसी वन में कितनी हो जाएगी, 10-50, और पॉलिसी टू में 10,80,000. हाँ, एक चीज और, वेरिएबल कॉस्ट 60% है. हाउ कम 60%? 5 रुपए की सेल है और उसमें 3 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज 60%. मगर क्या सेल बढ़ने पर वेरिएबल कॉस्ट का रेशो 60% ही रहेगा? अरे भाई, सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो भी तो बढ़ जाएगा. कितने बच्चे कहते हैं कि सेल चेंज होने पर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% चेंज हो जाएगा? रेज योर हैंड. रेशियो सेम रहेगा, यस फॉर श्योर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है, उसी से रेशियो निकला. दो कांस्टेंट चीजों से रेशियो निकालोगे तो रेशियो भी कांस्टेंट होगा. लेते हैं विच इज 6 लाख एंड हियर इट विल बी 630 एंड 648. लगे हाथ फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर लेते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है बीच में तो निकाल के फिर फिक्स कॉस्ट में चलेगा, वो भी नहीं निकालना है तो डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट भी घटा लो, विच इज एक्चुअली 2 लाख इन एनी केस. नहीं मतलब आपको बीच में एक स्टेप कंट्रीब्यूशन बनाना है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. फिर आएगी बैड डेट्स. क्या अभी बैड डेट्स 1% है? देखते हैं जरा क्वेश्चन में. हाँ, लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन, 1%. 10 लाख का 1%, इट दिस इज 10 था, और 1050 का 2% क्या, तो 21,000, और 1080 का 3% 32,000. इसके वर्किंग नोट दे देना, बाद में बना लेना या अभी बना लो, बाद में बना लेना. क्या टेबल खत्म हो जाएगी फिर नीचे बहुत सारी जगह बचेगी, तब बना देना एक एक के वर्किंग नोट. ऐसे में एग्जाम में जब वर्किंग नोट देने की बारी आए ना, व्हाट शुड यू डू, कि 3 वर्किंग नोट देने की जरूरत नहीं है, एक बैड डेट्स निकाल के दिखा दो, उससे उसको पता चल जाएगा कि आपको बैड डेट्स कैलकुलेट करते आती है. बस पूरे तीनों देने की जरूरत नहीं है. सर अगर मैं दू 3 वर्किंग नोट तो? वेरी नाइस. दूसरा कोई क्वेश्चन छूटेगा वो आप देखना. टू परसेंट 50,000 पे ऐसा नहीं लिखा है. मेरी बात समझो, ये जो क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है, सुनो, क्रेडिट पीरियड जो बढ़ रहा है वो बढ़ी हुई सेल का क्रेडिट पीरियड नहीं बढ़ रहा है, वो कस्टमर्स का क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है. तो सारे ये जो पूरी अभी क्रेडिट पीरियड है 45 डेज. सुनो, एक सवाल आया कि बैड डेट्स जो 2% है, मतलब 10 स्लैब वाइज लगा लो, 10 लाख पे 1% लगा लो और उसके आगे के 50,000 पे 2% लगा लो. ऐसा नहीं करेंगे हम, उसका कारण समझो. 10 लाख की सेल पे 45 डेज की क्रेडिट पीरियड थी, आपने क्रेडिट पीरियड 45 डेज से बढ़ा के 60 डेज कर दिया. 60 कहां लिखा है, 15 डेज बढ़ा, तो 60 डेज अक्रॉस द बोर्ड सारे कस्टमर्स को आप 60 डेज देने लग गए, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग ज्यादा खरीदने लग गए, उससे सेल बढ़ के कितनी हो गई, 10,50. तो पूरे 10,50,000 की सेल पर क्रेडिट पीरियड कितना है, 60 डेज. तो अब ये जो बैड डेट्स 2% आएगी, ये भी पूरे 10,50,000 पे आएगी, क्योंकि आदत सबकी बिगाड़ी है आपने. लिमिटेड लोगों की आदत बिगाड़ी होती है तो उधर बैड डेट्स बढ़ती, यहां तो सबकी आदत बिगड़ी है तो पूरे पर बैड डेट्स आएगी. जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर दे तो. कलेक्शन एक्सपेंसेस भी कुछ हैं क्या, दिए हैं क्या? कलेक्शन एक्सपेंसेस का पॉइंट नहीं है यहां पे. देखो, यूजुअली 4 पॉइंट होते हैं. एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन,
एक होता है बैड डेट्स, एक होता है कलेक्शन एक्सपेंसेस और एक होता है इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला पॉइंट ये चौथा ही होता है, इंटरेस्ट। इसी में मेहनत करनी पड़ती है बस, बाकी सब तो आसानी से आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अब चारों पॉइंट हर क्वेश्चन में हो जरूरी नहीं है, जितने दिए हों उतने यूज करेंगे। अब एक पॉइंट है इंटरेस्ट। अब बेटा ना इंटरेस्ट में एक वर्किंग नोट इधर बना के आप अलग बना लेना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। यहां अपना ये टेबल खत्म हो जाएगा, इसके नीचे की जगह अपने पास खाली है। अब वर्किंग नोट बना सकते हैं हम वहां। वर्किंग नोट नंबर 3, देखिए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सेल्स पे निकालेंगे डेटर्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स पर? कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 6 + 2 = 8 lakhs या सिर्फ 6 lakh? एक बात बताओ, जब कॉस्ट शीट से कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है कि फिक्स्ड होती है कि बोथ? पीछे वाले क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोथ। तो वो जो बोथ है वो है 8 lakhs। किसी भी क्लास में जो पीछे बैठे हुए बच्चे होते हैं वो पता नहीं क्यों ऐसा फील करते हैं कि वो डिस्कनेक्टेड है और उनका तो सुना ही नहीं जाएगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं वो। इस क्लास में नहीं है साइकोलॉजी, पीछे वाले या तो दमाद लोग हैं बोलते नहीं है, हमसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे। तो भाई ऐसे मत करो, पार्टिसिपेट करो क्लास में। यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी, बिलीव मी। आप मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये यहाँ पर बैठे हैं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा होता हूँ तो ये सेंटर हाफ के बाद से तो मुझे दिखना शुरू होता है, इनके ऊपर मैं फोकस करूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। तो मैं आई डोंट लुक इनटू देयर आईज, मेरा तो कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पिलर के आसपास ही आता है। यहाँ के बच्चे मुझे दिख रहे होते हैं और उसके पीछे वाले दिखते, आगे वाले तो दिखते ही नहीं है। यू हैव द स्पेशल प्रिविलेज, अच्छी हवा लग खाते हो वहां बैठ के फिर भी नहीं बोलते हो। चलो कोई बात नहीं, हम आपको प्रिविलेजेस देंगे। अजमेर भैया होमवर्क की चेकिंग कल से चालू करो और पीछे से ही स्टार्ट करना हमेशा। बोलो, अच्छा ऐसे ही बोलोगे ना आप तो फिर ठीक है। नहीं नहीं मत दो फिर, ठीक है। बोले बोले बोले, 2-3 दिन पार्टिसिपेट करो सबके साथ क्लास में, ज्यादा जोर से भी चिल्लाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल। तो मैं फिर आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दूंगा फिर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल, अरे डेटर्स का तो फॉर्मूला आता है ना अपने को, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो ये 8 lakhs इनटू 30 days है क्या, 45 days डिवाइडेड बाय 360, निकालो कितने आए डेटर्स। 8 lakh का कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 45 बता, इज इट 1 lakh? 1 lakh आ गया डेटर्स। ये 1 lakh डेटर्स 45 days तक रहेंगे या पूरे साल रहेंगे? सेकेंड हाफ, पूरे साल रहेंगे, क्योंकि ये 45 डेज से जैसे ही पैसा मिल गया तो अगला ब्लॉक हो जाए। इनफैक्ट 45-45 के ब्लॉक चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। 46th डे पैसा मिलेगा तो एक, मतलब फर्स्ट डे का पैसा 46th डे मिलेगा तो 46th डे एक नई सेल हो जाएगी। ऐसे करके एक नया दिन माल बेचेंगे और एक पुराने दिन का पैसा मिलेगा और ये साइकिल रोटेट होती रहेगी। पूरे साल 1 lakh rupees के डेटर हमारे होंगे। अब देखो बाकी स्टॉक और कैश तो बताया नहीं है, तो यही वर्किंग कैपिटल है हमारे लिए। सिर्फ इसी पर हम ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 lakh पर क्या रेट है क्वेश्चन में? 20%। 1 lakh पर 20%, 20,000। That simple, interest 20,000। अरे सर ये तो एकदम से आंसर आ गया। हाँ तो अब था क्या इसमें, फॉर्मूला लिखना पहले। हाँ फॉर्मूला लिखो, एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स इंटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360। लिखो फॉर्मूला, फिर उसके बाद में
डेटर्स हो गए 1 लाख, 1 लाख के डेटर्स, तो जो डेटर्स है वही वर्किंग कैपिटल है, उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट, तो कितना ब्याज आया? 20,000। अच्छा क्वेश्चन बोल देता कि इसके अलावा डेटर्स के अलावा स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा 50,000, तो क्या करते हैं? 1 लाख के डेटर और 50,000 का स्टॉक, तो आ जाता 1,50,000, उस पर निकाल लेते हम इंटरेस्ट। चलो बचे हुए दो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और नेट रिजल्ट निकालो। बिल्कुल सही, 27,667, यही ना? हाँ, सवाल ये कि इंटरेस्ट हमको मिल रहा है या लग रहा है? चलो आप लोग बताओ, लग रहा है, क्योंकि डेटर्स हैं तो डेटर्स की फंडिंग करने के लिए हम कहीं से पैसा लाएंगे, तो जिससे भी पैसा लाएंगे वो हमसे 20% रिटर्न मांगेगा। मैं इसको इंटरेस्ट बोल रहा हूं, ये डिविडेंड भी हो सकता है, मुझे क्या पता पैसा कहां से आया है। इक्विटी शेयर से आया है तो ये डिविडेंड है, लोन से आया है तो ये इंटरेस्ट है। एक मिनट स्टॉप एवरीबॉडी, ध्यान से सुनो, ये अच्छा एक पॉइंट आ गया। क्वेश्चन चाहे बोले कि 20% इंटरेस्ट रेट है, क्वेश्चन चाहे बोले कि 20% डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। डेटर की फंडिंग अगर लोन से हो रही है तो ये इंटरेस्ट है, ये हमको पे करना पड़ेगा। डेटर की फंडिंग अगर इक्विटी शेयर से हो रही है तो ये उनके डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये डिविडेंड है, ये हमको पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पे करो चाहे डिविडेंड पे करो चाहे जो पे करो, हमारे लिए तो आउटफ्लो है तो हम तो उसको माइनस करेंगे, मगर इन दोनों में फर्क तब आ जाएगा जब क्वेश्चन में साथ में इनकम टैक्स भी दे दे, तब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि 20% इंटरेस्ट रेट है या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इस क्वेश्चन में क्या है 20%? अगर ये इंटरेस्ट है तो टैक्स के पहले ही माइनस हो जाएगा, उसके बाद टैक्स ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर ये डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर टैक्स नहीं है तब तक तो क्या तो इंटरेस्ट रेट और क्या तो डिजायर्ड रेट, बात हमारे लिए एक ही है। हाँ, यहां कितना? 27,667 और इधर 35,333। वर्किंग नोट नंबर 4-5 बना लो इसके नीचे चाहो तो। हाँ, नेट कितना आया बताओ? 1,70,000। वन सेवन वन ट्रिपल थ्री, देन 164,267। सो द बेस्ट इज पॉलिसी नंबर 1। पॉलिसी 1 क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। पॉलिसी 1 एग्जिस्टिंग से भी ज्यादा अच्छा है। पॉलिसी 1 यानी कि कॉलम नंबर 2। बेस्ट इज पॉलिसी 1। अब अगर इसी क्वेश्चन को हमको इंक्रीमेंटल बेसिस पर सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते? तो लिखो आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन।
existing policy 1, policy 2. इसमें पहला स्टेप हम लेते हैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन. पहला स्टेप होता चेंज इन कंट्रीब्यूशन. देखिए चेंज की बात करें तो पॉलिसी नंबर 1 में सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, 50,000. तो 50,000 पर पीवी रेशो 40%, पीवी रेशो 40%. हाँ तो 50,000 पर 40% कितना हुआ, 20,000. देखो इस मामले में कम से कम फर्स्ट स्टेप के मामले में तो ये अच्छा दिखता है कि सेल लिखो, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर जाके ये डायरेक्ट आंसर आ गया. बताता हूं मैं आपको कैसे. और यहां पे सेल कितनी बढ़ी, 80,000. तो 80,000 का 40% कितना, 32,000. एक बार में आ गया, वहां चौथी बार में ये आंसर आता. पुराने वाले स्टेप में 3 लाइन सॉल्व करते तो चौथी लाइन में ये आंसर मिलता. सुनो कैसे, इधर आओ पुराने सॉल्यूशन पे. 10 लाख माइनस 6 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन आया 4. 4 माइनस 2 कितना आया, 2. तो इसका नेट रिजल्ट आ गया 2 लाख. और इसका नेट रिजल्ट बताओ यहां तक का कितना है, 2,20,000. इसका प्रॉफिट है 2 लाख और इसका प्रॉफिट है 2,20,000. तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000. वो डायरेक्ट निकल गया वहां. सुनो बेटा, जितना जिस प्रपोर्शन में सेल बदलेगा उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा और फिक्स कॉस्ट में तो चेंज आएगा ही नहीं. तो चेंज इन प्रॉफिट डायरेक्ट निकल गया कि 50,000 की सेल बढ़ी तो 50,000 की सेल का 40% 20,000. तो ये स्टेप नंबर 1, 2, 3 तीनों हट के एक सिंपल सिंगल स्टेप यहां पे आ गई. वापस इसमें देखो 20,000. ऐसे ही अगर वहां पे आप देखोगे तो प्रॉफिट 232 हो रहा है सेकंड वाली पॉलिसी में. चेक करो 232 हो रहा है. तो 2 लाख से बढ़ के हो गया 232. तो बढ़ा कितना, 32,000. तो इस स्टेप के मामले में तो ये वाला सोल्यूशन बेटर है. बाद वाली स्टेप में उल्टा लगना लगेगा आपको. स्टेप नंबर टू में अगर वर्किंग नोट से बचना हो तो हम इसको ना 2 लाइन में सॉल्व करेंगे, 1 लाइन में सॉल्व नहीं करेंगे. पहले निकालेंगे बैड डेट्स और फिर निकालेंगे चेंज इन बैड डेट्स. तो पहली लाइन में हम लिखेंगे बैड डेट्स. और वैसे ही जो बैड डेट्स हमने कैलकुलेट की थी दैट इज 10,000. हाँ, क्वेश्चन का एक स्टेप को यहां क्लोज कर लेंगे. पहले हम 10,000, 21,000, 32,400 और फिर हम निकालेंगे चेंज इन बैड डेट्स, जो कि होगी एक्चुअली 21 माइनस 10, दैट इज 11,000. And this is 22,400. इस सेकेंड स्टेप को हमने क्लोज कर लिया. मेरे ख्याल से इस सॉल्यूशन का एक फायदा और है कि बिसाइड्स द फाइनल आंसर आपको स्टेप्स के कंपैरिजन भी मिलेंगे कि पॉलिसी 1 अगर अच्छी है तो क्यों है, उसमें बैड डेट्स का नुकसान कितना ज्यादा हो गया, कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया. पूरा एक इनसाइट आपको मिलेगा, जबकि इसके पिछले वाले सॉल्यूशन में डायरेक्ट फाइनल आंसर मिलता है. हर स्टेप का भी कंपैरिजन. स्टेप नंबर 3 में इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ना 3-4 लाइन में हम करेंगे ताकि वर्किंग नोट्स हमको अलग से देने ही नहीं पड़े, सब यहीं पर हो जाएगा. और वर्किंग नोट अलग देना चाहो तो अलग दे दो, योर चॉइस. हाँ, तो स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स.
देखो कॉस्ट ऑफ सेल पहले तो वही 8 लाख आ गई। 8 लाख कैसे आई? 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट। आप ऐसा मत मानो कि ये क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं, हम पहली बार सॉल्व करेंगे तो कैसे हो, नहीं तो आप वो वर्किंग नोट यहां यूज कर लो, ऐसे मत करो। 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट और 2 लाख की फिक्स कॉस्ट। इसके आगे की कॉस्ट ऑफ सेल निकालना इतना आसान है कि अब सेल बढ़ रही है 50,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? सेकेंड हाफ जीरो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जरूर बढ़ेगी। 50,000 का 60% यानी कितनी? 30,000। बस तो 30,000 ऐड कर लो तो ये हो गया 830। और फिर सेल बढ़ रही है 80,000 तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद में फिर हम डेटर्स निकालेंगे, फिर डेटर्स निकालने के बाद उसकी अगली लाइन में हम निकालेंगे चेंज इन डेटर्स, फिर चेंज इन डेटर्स निकालने के बाद में उसके अगले लाइन में हम निकालेंगे इंटरेस्ट। चार रो बना लो तो फिर वर्किंग नोट अलग से देने की जरूरत नहीं है, या फिर एक ही रो में खत्म करना हो तो वर्किंग नोट अलग से दे दो, योर चॉइस। मैं ये प्रेफर करता हूं कि यहीं पे खत्म करो। हाँ, डेटर्स हम कैसे निकालेंगे? इनटू 45/360, 1 लाख। फिर इसके बाद में 8,30,000 में क्या करेंगे पता है आपको? 8,30,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360, 138333, 176667। चेक करो सब लोग डेटास। कहिए क्या प्रॉब्लम है? डाउट नहीं है? अच्छा, आपने जिस तरह से मेरी तरफ देखा मुझे लगा डाउट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिजायर्ड रेट का मीनिंग ना, देखिए इंटरेस्ट हो चाहे डिजायर्ड रेट हो हमारे लिए तो दोनों ही कॉस्ट है। हाँ, लेकिन फर्क तब पड़ जाता जब क्वेश्चन में इनकम टैक्स होता। अगर इनकम टैक्स होता तो अगर ये इंटरेस्ट है तो पहले ये माइनस होता फिर टैक्स लगता, लेकिन अगर ये डिजायर्ड रेट होता तो पहले टैक्स माइनस होता फिर डिजायर्ड रेट माइनस। ऐसे जब तक टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट और डिजायर्ड रेट में कोई फर्क नहीं है। हाँ कहिए बोल। हाँ हाँ कर सकते हैं, देर आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू कैलकुलेट डेटर्स, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते समय हमने बैड डेट्स को कॉस्ट में कंसिडर क्यों नहीं किया? इज इट योर क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सुनिए। सवाल यह आया कि पहले केस में कॉस्ट ऑफ सेल्स है 8 लाख,
इनफैक्ट पहले केस में कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए 8,10,000, क्योंकि 8 लाख की तो कॉस्ट है और 10,000 की बैड डेट्स भी तो कॉस्ट है, पर जो 10,000 है ना वो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, वो हमारी कॉस्ट में हम कंसिडर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम कंसिडर नहीं करेंगे. वी अज्यूम कि बैड डेट्स का मतलब कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रियलाइज ना हो पाना, तो वो तो प्रॉफिट में से कट जाएगा और हम तो पूरा का पूरा प्रॉफिट इग्नोर करके डेटर्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं. इसलिए बैड डेट्स को एज ए कॉस्ट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट हमको, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि बैड डेट्स पे हमको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ही नहीं है, रिसीव तो किसी पे भी नहीं होना है. बैड डेट्स पे इंटरेस्ट क्यों पे करें हम, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में से जाएगा और प्रॉफिट के लिए तो हम बोरोइंग करते ही नहीं. वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट याद करो कि वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल वी इग्नोर डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट. तो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स को हमने करंट लाइबिलिटी नहीं माना था, प्रपोज डिविडेंड को हमने करंट लाइबिलिटी नहीं माना था, क्योंकि वो दोनों किस में से कटते हैं, प्रॉफिट. तो लेट्स अज्यूम कि बैड डेट्स, कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये सब कहां से जाएंगे, प्रॉफिट. इंटरेस्ट इटसेल्फ नहीं तो, फिर तो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लगना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट है. वो सब किस में से कटेंगे, प्रॉफिट में से. हाँ बोलिए. हाँ, वर्किंग नोट एक दे सकते हो आप कि ये 1 लाख कैसे आया, 8 लाख इंटू 45/360. चलो इसके आगे बढ़ाया क्या आपने, चेंज इन डेटर्स निकाल लेते हैं. चेंज इन डेटर्स 38333 एंड 76667 और इंटरेस्ट, अब इसका 20% ना, लिसन, अब चेंज इन डेटर्स है 38333, डायरेक्ट उसका कितना निकालना है, 30. पहले इसका मीनिंग समझो कि जैसे ही आप अपना क्रेडिट पीरियड 60 डेज कर देंगे 45 डेज से बढ़ा के, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो पहले आपका 1,00,000 ब्लॉक था अब 1,38,000 ब्लॉक होगा, यानी कितना एक्स्ट्रा ब्लॉक हो जाएगा बिजनेस में, 38. उस एक्स्ट्रा ब्लॉकेज पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, कितना, 20%, 7,66. नहीं तो ये 38,000 पूरा ही माइनस कर लो ना, कि इसका इंटरेस्ट सोचो. अगर आईसीआई ये बोले कि वो जो 12,000 का आपने डीडी बनाया था कितने का था, 12,000 का, तुम्हारे ज्यादा लग गए, 12,600 लग गए, अरे राउंड फिगर 12,000. तो बिसाइड्स डूइंग दैट यू विल हैव टू गिव अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹1,00,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट. आईसीआई अगर ये बोले एंड एज सून एज यू क्लियर आईपीसीसी दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड. इवन इफ समबडी डजंट क्लियर आईपीसीसी एंड डिसाइड्स टू लीव सीए कोर्स, देन ऑल्सो दिस 1,00,000 रुपीज विल बी रिफंडेड, इंटरेस्ट नहीं देंगे. तो क्या अब आपका आईपीसीसी की कॉस्ट 12,000 की जगह 1,12,000 हो गई, नहीं, क्योंकि जो 1,00,000 रुपए ये तो सिर्फ ब्लॉक हो रहा है, ये बाद में वापस रिलीज भी हो जाएगा. एट द मोस्ट कंसिडर करना है तो इसका इंटरेस्ट लॉस कंसिडर करो, एंड सपोज इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम, हुंडी पे यही ब्याज चल रहा है बाजार में, 1,25 रुपए सैकड़ा, तो मतलब बहुत इज्जतदार आदमी हो तो जाके मिलता है, नहीं तो 2 रुपए सैकड़ा है. अब 15% ब्याज है, सर पता नहीं क्या बोला, तो रहने दो. तो 1,00,000 रुपए पापा से पूछना आप अपने, तो वो आपको ये सवा, बस उनको इतना पूछना है कि 1,00,000 रुपए सैकड़ा क्या होता है, 1,00,000 रुपए सैकड़ा, केकड़ा नहीं, ये पापा से पूछना और कहना बाजार में क्या 1,00,000 रुपए चल रहा है कि 1,50 रुपए चल रहा है कि 2 रुपए चल रहा है. पापा से पूछना है कि पापा आप लोन लेने जाओ तो आपको 1,50,000 रुपए, 1,50 रुपए, 1,25 रुपए, 2 रुपए क्या मिलेगा, पता करके आना मुझे कल बताना. चलो, पापा इंदौर में नहीं रहते हैं तो फोन पे आप बात कर सकते हैं. तो 15% अगर ब्याज है तो क्या आपका आईपीसी से 1,12,000 का हो गया,
एक लाख कॉस्ट नहीं है, वो तो ब्लॉकेज है बस, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। उस 1 लाख का 15% कितना हुआ? 15,000। तो बिसाइड्स 12,000 फीस, यू आर लूजिंग 15,000 ऑन इंटरेस्ट। सिमिलरली जब आप ये नई पॉलिसी लेके आते हैं तो एक्स्ट्रा ब्लॉकेज इन द बिजनेस विल बी 38,333 इज नॉट द कॉस्ट, दिस इज जस्ट द वर्किंग कैपिटल। जब बिजनेस बंद करोगे तो वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी, अगर आपने कैपिटल वेस्टिंग में पढ़ा हो ऐसा तो। हेलो बेटा, घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये चौक है, नाटक सर पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, तो आप बोलते हो पता नहीं। मैंने बोला बेटा ये चौक है, आपने बोला चौक है, ये चौक है, ये चौक है, ये चौक है, ये चौक, ये चौक। सर ने पूछा ये क्या है, बोले नहीं पढ़ाया, इज्जत का फालूदा। थोड़ा सा ट्राई टू प्ले, मैं शुरू में बोल चुका हूं आपको, ट्राई टू प्ले विथ द कंसेप्ट सो दैट यू नो कि यस दिस इज चौक, यस दिस इज चौक, यस दिस इज चौक, गेटिंग द पॉइंट। तोड़ो, हाँ हाँ, ये देखो ये एनालिसिस आया, देखो देखा तो एनालिसिस है ना कि एक के दो हो गए, लेकिन दोनों की लंबाई कम हो गई, लेकिन दोनों से अभी भी लिखा जा सकता है। अरे अरे वाह बेटा, लिख के बताऊं, लिख के बताऊं, आओ। तो आप थोड़ा बेटा एनालिसिस करो, मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं होना आपकी चॉइस है, जस्ट कीप इन माइंड। इफ यू हैव टाइम इन योर लाइफ फॉर डूइंग समथिंग, इट इज योर चॉइस। इफ यू डोंट हैव टाइम, अगेन इट इज योर चॉइस। आप अपनी चॉइस से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, नथिंग हैज बीन फोर्स्ड। मम्मी पापा आपके किसी के भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आज तक आप मन की ही करते आए हो। ये बात कहना मत कि उन्होंने फोर्सफुली हमको ये सब करने को कहा है। तो इसलिए थोड़ा एनालिसिस करें, ये हमेशा फ्रूट्स देता है, थोड़े देर से देता है पर बहुत अच्छे देता है। ओके हाँ, तो आप भी अच्छे फ्रूट्स दोगे आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, अच्छा कमा के दोगे आप। शर्मा तो ऐसे रहा है, ये देखो। इतना मत शर्मा बेटा, चल 15333। ये डेटर्स में लगा हुआ पैसा कोई खर्च थोड़े है, ये तो ब्लॉक हुआ है टेम्परेरीली और ये बाद में रिलीज हो जाएगा, पर ब्लॉक्ड एंड रिलीज्ड पर इंटरेस्ट का लॉस तो हो ही जाएगा। इस स्टेप को हम यहीं क्लोज कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना है, एग्जिस्टिंग का तो कुछ नहीं करना है। प्रपोजल वन में लुक हियर एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, ये 20,000 एक तो हमारा प्लस पॉइंट है, ये 11,000 माइनस पॉइंट है, और ये 7667 माइनस पॉइंट है। एक प्लस और दो माइनस, 1333 पॉजिटिव और इधर 5733 नेगेटिव। देखो आप ये आंसर टैली हो गया ना, उधर हमारा 170 आया था 170 और 171333, तो इंक्रीमेंटल कितना था 1333 और फिर एक 170 आया था और एक 1,64,267, उन दोनों का डिफरेंस है 5733 नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमने पॉजिटिव वाले को चूज कर लिया, पॉजिटिव चूज कर लिया मतलब पॉलिसी वन इज द बेस्ट। अगर ये भी नेगेटिव आता तो नहीं, तो ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं और एग्जिस्टिंग सिलेक्ट हो जाता है। इंक्रीमेंटल में जब भी नेगेटिव आए तो हम एग्जिस्टिंग को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉलिसी वन यहां बेस्ट है, अगर ये भी नेगेटिव आता तो दोनों पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती और एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंटिन्यू कर लेते।
अब ऑब्वियसली आपको तो पहला तरीका ही आसान लगा होगा, देख लेंगे वैसे कर लेंगे क्वेश्चन, पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे, इंक्रीमेंटल हमको क्वेश्चन मजबूर करेगा कुछ चीजों को लेके कभी, तो फिर करेंगे, डेटा इंक्रीमेंटल ही दिया हो केवल तो फिर ऐसे अच्छा रहेगा। अच्छा अब एक चीज, एक तीसरा एंगल भी हो सकता है, इसी दूसरे में से एक तीसरा एंगल हम निकाल लेते हैं, थोड़ा आप फोकस करना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर आप पॉलिसी वन एक्सेप्ट करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000, बैड डेट्स 11,000, तो 20,000 माइनस 11,000 कितना आ गया, 9,000। 9,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए 38,333 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 9,000 हर साल एक्स्ट्रा कमाने के लिए बिजनेस में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 38,333। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 38,333 इंटू 100, 23.4। ये जो हमने निकाल लिया ना बेटा, ये तो एनपीवी है, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट और नेगेटिव है तो रिजेक्ट। पर एनपीवी निकालने की जगह हम आईआरआर निकाल लेते हैं कि हम 9,000 कमा रहे हैं, उसके लिए डेटर्स में 38,000 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 38,000 23.47%। मतलब आप इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाएंगे, 23.47%, व्हाइल योर डिजायर्ड रिटर्न इज ओनली 20%। सो यू आर अर्निंग मोर देन योर डिजायर्ड रिटर्न, देयरफॉर यू शुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 32,000 कमाने के लिए 22,400 खर्च हो जाए, तो 9,600 कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 76,000। तो 9,000, एक मिनट वापस बोल रहा हूं, 9,600 कैसे है, कंट्रीब्यूशन 32,000, बैड डेट्स 22,400, तो कमाया कितना, 9,600 डिवाइडेड बाय 7,667 इंटू 100, 12.52% you are earning, while your desired return is 20%, therefore this proposal is rejected। तो ये कुछ अलग अलग एंगल्स हैं, जो आपको आसान लगा हम आगे वही फॉलो कर लेंगे, ठीक है। हम इंक्रीमेंटल करने की जगह इंडिविजुअल कर लिया करेंगे, जहां इंडिविजुअल डिफिकल्ट लगेगा वहां इंक्रीमेंटल कर लेंगे। सर पर ये सब क्या चल रहा है बेटा, डेटर्स मैनेजमेंट चल रहा है, ये क्या चल रहा है, चलो बताओ। डेटर्स मैंने पूरा का पूरा एफएम सब्जेक्ट जो है ना, डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है। हैव यू रियलाइज्ड इट, हैव यू थॉट अबाउट इट? आप एफएम पढ़ रहे हो और हर जगह आपको डिसीजन लेना, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, यू डोंट टेक डिसीजन, यू सिंपली मेक एन अकाउंट, एक अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, पीएनएल बना लिया, किस्सा खत्म। एफएम में आप डिसीजन लेते हो कैलकुलेशन करने के बाद। एफएम में आप फ्यूचर में देखते हो या पास्ट में, यू फोरकास्ट फ्यूचर, इसीलिए आप अकाउंट्स में आप एक्यूरेसी को लेके बॉदर करते हो। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में 5 रुपए का फर्क आ जाए, मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू बॉदर अबाउट इट एंड यू ट्राई टू मैच इट। बट हमारे इसमें 5 लाख भी इधर उधर हो जाए तो वी डोंट बॉदर, क्या रे 50-100 करोड़ का मामला चल रहा है, इसमें 5 लाख इधर उधर से ही, क्योंकि वैसे भी सब कुछ क्या है, फोरकास्टेड, गलत तो वो यूं भी हो सकता है। इस पूरे सब्जेक्ट में वी लुक इन टू द फ्यूचर और फिर जो हाँ बोल, अच्छे से करो, अच्छे से करो, वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ। चलो आप देख, जो फ्यूचर में दो रास्ते हमको जाते हुए दिख रहे हैं उन दोनों को हम देख लेते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट और इसमें कितना प्रॉफिट, और यहां प्रॉफिट ज्यादा तो हम चल देंगे इस तरफ। इससे फायदा क्या होता है, जब आप सही डिसीजन लोगे तो कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, रिस्क कम होने से एक्सपेक्टेशन कम होगी, एक्सपेक्टेशन कम होने से वैल्यू बढ़ेगी, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट ज्यादा कमाने से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रॉफिट ज्यादा कमाने से, हेलो माइक टेस्टिंग, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ने से वैल्यू, वैल्यू बढ़ेगी कि एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन पे कोई असर नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, रिस्क पे डिपेंड करती है। तो अगर आप डेटर्स मैनेजमेंट में एक सही पॉलिसी चूज कर पाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, बस
यही हमको करना है, इतनी सी बात है। क्योंकि समटाइम्स बच्चे आके ये बोलते हैं, सर क्वेश्चन करते तो आ गया पर ये नहीं पता चला क्या कर रहे हैं। इससे ज्यादा सुबह से लेकर रात तक मैं सारी क्लास में सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं तो वो मैं ही हूं। वी ट्राई टू लिंक एवरी टाइम विद द वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ FM। इसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चले क्या कर रहे हैं, उसका एक बहुत सिंपल कारण है कि वो तो मैंने बताया था कि क्या कर रहे हैं, मगर घर जाके आपने उसको पढ़ा नहीं, ना उसको नोट करा। फिर 15 दिन बाद जब उठाया तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन आपके पास रह गए। क्वेश्चन भी दिमाग में से तो इवापरेट हो गया मगर कॉपी में रह गया, उसको देख देख के आपने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। ये आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, जब मैं पढ़ा रहा हूं अपने शब्दों में नोट करते चले जाओ, लिखने की आदत बनाओ, पेंसिल लो और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो काम का है उसको और ढंग से लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता इस सब में। दैट वे व्हाट विल हैपन कि अगर 2 महीने बाद जब आप इस सब्जेक्ट को रिविजिट करोगे, 6 महीने बाद जब आप रिविजिट करोगे, तो स्टेप्स के लॉजिक भी आपके पास लिखे हुए होंगे, भूल तो आप गए होंगे तब तक। हेलो, जिंदा है? गाओ गाओ, चलो बोलो ये वाले। मजा आया। सो द थिंग इज कि आपको थोड़ा लिखते ले आ करो, सब भूल जाओगे अदरवाइज समय के साथ साथ में। फिर आपको लगेगा हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते आता है और कुछ नहीं आता है। इस चीज से बचने के लिए लिखने की आदत। घर जाके एक बार ये कंसेप्ट पढ़ते हो क्या या सिर्फ होमवर्क कर लेते हो? कितने बच्चे घर जाके कंसेप्ट को एक बार देखते हैं कि यार पढ़ा क्या डाला आज, एक तो ये हाथ उठाओ। फ्यू, बाकी लोग केवल होमवर्क कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए बाद में प्रॉब्लम आती है कि सर क्वेश्चन करते तो हमको आ गया पर हम कंसेप्ट भूल गए। भूलोगे ना, रिवाइज नहीं करोगे तो जरूर भूलोगे। लिखते चलो। एक क्वेश्चन आप करके लाना है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड कर लेते हैं। दिस विल बी फॉर योर होमवर्क। Radiance Garments Limited manufactures ready-made garments and sell them on credit basis through a network of dealers. अच्छा, credit sales करते हैं ये। Its present sales is rupees 60 lakh per annum with 20 days credit period. 60 lakh की sales है, 20 दिन का credit period है। The company is contemplating an increase in credit period with a view to increase sales. Present variable cost are 70% of sales. पिछले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है, वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 30% एंड फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 8 लाख पर एनम। भला हो, ये भी क्वेश्चन में छपा है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 25%। अभी प्री बोले चाहे पोस्ट बोले, क्वेश्चन में वैसे भी कहीं टैक्स रेट तो दिया हुआ है नहीं, तो फालतू टैक्स प्री टैक्स बोल के बेकार सेंसेशन फैलाया यहां पे। प्री क्या और पोस्ट क्या, टैक्स ही नहीं है क्वेश्चन में तो। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 25%। तो जो ब्याज चढ़ाना है अपने को वो कितना निकालना है, 25%। अगर डेटर्स बढ़ गए तो इंटरेस्ट हमारे लिए कॉस्ट होगा, अगर डेटर्स कम हो गए तो इंटरेस्ट हमारे लिए बेनिफिट होगा। डेटर्स कम हो गए तो इंटरेस्ट बेनिफिट होगा। सम अदर डिटेल्स आर गिवन एज अंडर। 3 पॉलिसी है अब, मतलब अमाउंट के 4 कॉलम हो जाएंगे। कलेक्शन पीरियड ध्यान देना, ये 20 प्लस 30 करोगे कि 20 की जगह 30 करोगे? सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐड करा था क्योंकि वहां तो इंक्रीज था और यहां डायरेक्ट पीरियड दिया है। तो 4 कॉलम बनेंगे, एक 20 डेज का, एक 30 डेज का, एक 40 डेज का और एक 50 डेज। और सेल्स भी इंक्रीज वाली ही दी है आपको, चेंज इन सेल नहीं दिया है। 60 से 65, 70 और 74। Required, which credit policy should the company adopt? Present your answer in a tabular form. Lo, इससे बेहतर क्या होगा? Question ने बोला tabular form. Assume 360 days in year. Thank God, ये बता दिया, नहीं तो हम तो 365 ही मान लेते हैं। क्या मानते हैं आप?
कैलकुलेशंस शुड बी मेड अप टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब रुपीज इन लाख से चलने दो, सारे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, बट डेसिमल के बाद दो डिजिट तक चलाओ। अरे यार स्टेप के नाम पे ना दो ही चीजें आएंगी, मतलब अगर आप पूरा चलाओगे तो सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन से, सॉरी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस ना तो बैड डेट से ना तो कलेक्शन एक्सपेंसेस है, एकमात्र एक्स्ट्रा आइटम माइनस है इंटरेस्ट। इजी क्वेश्चन है, दोनों तरह से करें, समझे आप दो तरह का मतलब, इंडिविजुअल भी और इंक्रीमेंटल भी। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए। सर बैड डेट्स तो दी नहीं है, तो नहीं लेंगे ना, नहीं दिए तो कलेक्शन एक्सपेंसेस भी नहीं दिए हैं तो वो भी नहीं लेंगे। सर ये क्वेश्चन पढ़ के कैसे मालूम पड़ा कि डेटर्स मैनेजमेंट का है? शायद कैपिटल बजटिंग का होगा ये। प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी, अब क्रेडिट पॉलिसी के प्रपोजल्स तो सिर्फ एक ही चैप्टर में मिलते हैं, दैट इज डेटर्स मैनेजमेंट। इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू विल गेट कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। डोंट वरी, इस बात की चिंता मत करो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जाम में कहीं हमको यही नहीं समझ में आया कौन से चैप्टर का है, तो फिर तो एक प्रॉब्लम और भी है, कॉस्ट और एफएम का पेपर मिक्स जाता है। सो मैं समझाइए, ओवरहेड एलोकेशन का क्वेश्चन है, नहीं हो सकता, कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी इस बात को लेके कि ये किस चीज का क्वेश्चन है। इतनी ज्यादा बुरी हालत में आप नहीं हो, हाँ विश्वास करो, आप थोड़ी बहुत कहीं कहीं आपकी हालत खराब है, बाकी तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यू आर डूइंग वेरी वेल एंड जस्ट कीप इट अप। ये गाना और पार्टी से तो नीचे आ जाओगे, पढ़ाई करो बाबा, उससे अच्छा जैसे जैसे भी आपको फ्री टाइम मिले तब ढेर सारी पढ़ाई कर डालो, दैट इज द ओनली वे, यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको अभी सॉल्व करके बताना है। कितने रोज गान थोड़ी गाए, अच्छा 10 लाख की सेल है, वेरी नाइस। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 50 डेज, कुछ लोग 60 डेज में पैसा देते हैं, कुछ 40 डेज में देते हैं, कुछ 50 डेज में देते हैं, ऑन एन एवरेज कलेक्शन होता है 50 डेज। बैड डेट्स लॉसेस आर 6% ऑफ सेल्स, ठीक है बुरा हुआ ये तो। कलेक्शन एक्सपेंसेस 10,000, ये एक और पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ फंड इज 15%, ये भी एक पॉइंट है। द कंपनी हैज टू ऑल्टरनेटिव कलेक्शन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम नंबर वन वेयर एवरेज कलेक्शन पीरियड विल रिड्यूस टू 40 डेज इन प्लेस ऑफ 50, और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 30 डेज। बैड डेट्स लॉसेस विल रिड्यूस टू 4% इन द फर्स्ट केस एंड विल रिड्यूस टू 3% इन द सेकंड केस। आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, 50 दिन की जगह आप कितना कर रहे हैं 40 दिन, 40 की जगह आप कर रहे हैं 30 दिन, तो ऐसे में बैड डेट्स भी 6 से रिड्यूस होके हो गई 4, 4 से रिड्यूस होके हो गई 3, लेकिन कलेक्शन एक्सपेंसेस इसमें बढ़ गए, आपकी स्ट्रिक्टनेस में कलेक्शन एक्सपेंसेस बढ़ गए और वो हो गए 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000। Evaluate which program is viable. The point here is कि नई सेल्स नहीं दी है। अरे इस नए सेल्स जब आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सेल्स कितनी हो जाएगी, वो तो दी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? अज्यूम करेंगे कि सेल्स सेम रहेगी। जब नई पॉलिसी की सेल नहीं दी है तो एक ही अजम्पशन से शुरुआत करनी पड़ेगी क्वेश्चन की कि सेल्स विल रिमेन सेम। अब मजे की बात यह है कि यहां वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी है, तो एक तो आप इंडिविजुअल बेसिस पर इवेल्युएशन ना करें, बेटर है कि आप कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल, वही अच्छा रहेगा आपके लिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो डेटर्स निकालेंगे वो डेटर्स आपकी मजबूरी है कि आप सेल्स पर निकालें, यू कैनॉट कैलकुलेट डेटर्स एट
कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स. व्हाई? क्योंकि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इंक्रीमेंटल चलना पड़ेगा हमको, और इंक्रीमेंटल में एक पॉइंट बनेगा बैड डेट्स, एक पॉइंट बनेगा कलेक्शन एक्सपेंसेस, एक पॉइंट बनेगा इंटरेस्ट. बस ये तीन पॉइंट को फिर नेट कर लेंगे. डू इट नाउ. टेबुलर फॉर्म में करो, इंक्रीमेंटल बेसिस पर करो, अभी करो. सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड वाला पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन टू तो आज होमवर्क में दिया है, कल टैली करेंगे, अभी नहीं. फाइव मिनट्स का टाइम आपको दिया है, जैसे आपसे बन पड़े करो. इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, आप अपने आप से करो. हाँ, इसके अलावा कुछ पूछना है तो वो पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. टू फोर वन सिक्स सेवन एंड थ्री एट ट्रिपल थ्री, ऐसा कुछ है क्या? पहला तो सही दिख रहा है मुझे, 2 4 1 6 7. प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट. और दूसरे में 38,333 प्रॉफिट है. लेट्स सी.
तीन पॉइंट हैं, एक बैड डेट्स, एक कलेक्शन एक्सपेंसेस और एक इंटरेस्ट। वन फोर वन सिक्स सेवन फर्स्ट का सेक फर्स्ट प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को ध्यान रखना, उसमें गलती ना कर बैठो कहीं। वन फोर वन सिक्स सेवन एंड वन एट ट्रिपल थ्री। देखते बेटा, रुको जरा, रुक जाओ। एग्जिस्टिंग बैड डेट्स कितनी है? 60,000, 60,000। एंड देन प्रपोज्ड इज 40 and 30। देयरफॉर चेंज इन बैड डेट्स विल बी प्लस 20 and plus 30, one step done, फिर second step, direct change in collection expenses लिख देता हूं मैं, change in collection expenses minus 10,000, minus 20, बस एक रो बचा ली मैंने, वैसा कोई बड़ा आप अलग से लिख लो तो भी, मतलब पहले कलेक्शन एक्सपेंसेस लिख लो फिर चेंज इन कलेक्शन एक्सपेंसेस लिख लो, ऐसा भी कर सकते हो। तीसरा सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल तो सेम ही है, तो सेल्स तो इन एनी केस इट इज 10 lakhs। अब इस पर हमको निकालने होंगे डेटर्स, वन थ्री एट 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 सारे वन, 1,11,000 111 थ्री थ्री थ्री। फिर हम निकाल लेते हैं चेंज इन डेटर्स, 27777 55556। इस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 15। अब देखो सब लोग ध्यान देना जरा, डेटर्स हो रहे हैं कम तो इंटरेस्ट हमारे लिए कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हमारे लिए बेनिफिट है। कितना बेनिफिट? 4,66 4,167 8,333 प्लस माइनस पॉइंट का थोड़ा ख्याल रखना। नेट 14,167 पॉजिटिव है, 18,333 पॉजिटिव है। सो द बेटर पॉलिसी इज पॉलिसी नंबर टू,
प्रपोजल नंबर टू इज बेटर. IRR निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं. IRR से आप ना करें तो अच्छा है, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूं. बैड डेट्स में आपका फायदा 20,000, कलेक्शन एक्सपेंसेस में नुकसान 10,000, तो नेट आप कितना कमा रहे हो? 10,000. उस 10,000 के लिए आपको लगाना कितना पड़ेगा? 27,000. तो 10,000 कमाने के लिए 27,000 लगाओगे तो 10,000 डिवाइड बाय 27778 इनटू 36.36%. बट मत करिए परसेंट में, आप रुपए में ही चलिए, क्योंकि वैसे भी एनपीवी आईआरआर में कभी कंफ्लिक्ट भी हो गया तो हमको साथ तो एनपीवी का ही देना है, एब्सोल्यूट वैल्यू. सेकंड पॉलिसी इज बेटर, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ, कम स्ट्रिक्ट नहीं, ज्यादा स्ट्रिक्ट. तो वैसे फाइनली डिसीजन क्या है, हमको अपने कस्टमर के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए या लिबरल? मतलब ये हो गया कि अब कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको स्ट्रिक्ट हो जाना है, यही ना? इस क्वेश्चन में नहीं, जनरल. जनरली स्ट्रिक्ट या लिबरल? डिपेंड्स. डिपेंड्स मतलब किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे. अरे क्वेश्चन पे नहीं, मतलब जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो. अगर स्ट्रिक्ट होने से वेल्थ बढ़ती है तो स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर लिबरल होने से वेल्थ बढ़ती है तो लिबरल हो जाए. हमारा टारगेट स्ट्रिक्ट या लिबरल होना नहीं है, हमारा टारगेट वेल्थ बढ़ाना है. जैसे बड़े वेल्थ, हम हर वो काम करने को तैयार हैं. मनी एट एनी कॉस्ट. कलेक्शन एक्सपेंसेस क्या कहा? नहीं, कलेक्शन एक्सपेंसेस स्ट्रिक्ट होने के प्रपोर्शन में बढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में बोले कि हम स्ट्रिक्ट हो गए और कलेक्शन एक्सपेंसेस कम हो गए, किसी में बोले कि स्ट्रिक्ट हो गए और कलेक्शन एक्सपेंसेस बढ़ गए, किसी में बोले कि स्ट्रिक्ट हो गए और कलेक्शन एक्सपेंसेस सेम है. कुछ भी हो सकता है, दुनिया है. जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा सॉल्व कर दें. अब यूं तो स्ट्रिक्ट होने से सेल्स कम होनी थी, पर नहीं हुई तो नहीं हुई, तो नहीं हुई. इनइलास्टिक सेल होगी. सवाल आया कि क्या क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से बैड डेट्स बढ़ेंगे, ऐसा जरूरी है? यूजुअली ऐसा होगा, बट अनयूजुअली कुछ भी हो सकता है. जो क्वेश्चन गाइड करेगा हम वैसे सॉल्व कर देंगे. वी विल नॉट आस्क कि अरे ये क्या करवा रहे हो हमसे. जो क्वेश्चन हमसे करवाएगा हम वो कर देंगे. इट्स दैट सिंपल. हम एक दुकानदार हैं और ग्राहक हमसे जो डिजाइन करवा रहा है. अरे आप सपोज एक टेलर हैं और ग्राहक आया और उसने बोला कि मुझे शर्ट में पॉकेट आगे नहीं पीछे की साइड चाहिए, तो मना कर दो उसको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा. भाई उसने जो बोला बना दो. हाँ क्यूरियोसिटी है तो पूछ लो कि करोगे क्या इसका. बोले दोस्तों को सामान रखने में अच्छा रहता है. क्वेश्चन बोले कि सेल बढ़ी और बैड डेट्स कम हो गई, क्रेडिट पीरियड बढ़ा और बैड डेट्स कम हो गई, तो हो गई कम तो हो गई. हाँ बट यूजुअली बढ़ती है, क्योंकि जब आप लिबरल होते हैं तो लोग बिगड़ जाते हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ता है. आ रहा हूं बेटा वापस. हाँ फिर से बोलो. प्रॉफिट पे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ेगा ऐसा कुछ भी तय नहीं है. सबका इंपैक्ट हम कैलकुलेट करके देखेंगे और नेट इंपैक्ट जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. हाँ कहिए. यूजुअल कोर्स ये है कि अगर आपको रिकवरी फास्टर करनी है तो कलेक्शन एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे आपके, बढ़ेगा यूजुअल. बाकी जो क्वेश्चन बोले. यस एनी अदर डाउट? कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन आगे आएंगे. हाँ जी कहां से आवाज आई? हाँ बोल. कलेक्शन एक्सपेंस
कॉस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय क्यों नहीं कंसिडर करे? मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आएगी, बाकी सारे इनकम और खर्च प्रॉफिट में से हम करेंगे ऐसा हम मानते हैं। बेटा कलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए हम लोन नहीं लेंगे, वो जो हम प्रॉफिट कमाएंगे ना उसी में से पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शायद सिमिलर हो, पढ़ के देखते हैं पता चलेगा। Let's read it. PTX Limited is considering a change in its present credit policy. Currently, it is evaluating two policies. The company is required to give a return of 20% on investment in new account receivables. So, interest lagana hai 20%. The company's variable cost is 70%. Very nice. Information regarding present and proposed policy is as follows. अभी सेल 30 लाख से, लेकिन पॉलिसी 1 अडॉप्ट की अगर आपने तो सेल बढ़ के 42 लाख हो जाएगी और पॉलिसी 2 में तो और 45 लाख हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी इंकरेजिंग पॉलिसी, सेल बढ़ रही है, नथिंग लाइक दैट यार। एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन पूरा जोर लगा देता है इस बात पे कि वो ज्यादा सेल कर पाए। सेल करना ही सबसे मुश्किल काम है, सेल हो रहा है तो प्रोड्यूस करना या परचेज करना मुश्किल उतना नहीं है, सेल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या पॉलिसी है, सेल बढ़ रही है तो पॉलिसी 2 इज द बेस्ट डिसीजन हमर। अब पर पता चला कि नुकसान और ज्यादा हो गया तो फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। टॉप लाइन इंपॉर्टेंट है माना, मगर बॉटम लाइन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखेंगे ना तो RIL, ONGC ये देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं रेवेन्यू सेल्स, बट प्रॉफिट वाइज देखने जाएंगे तो TCS इज द लार्जेस्ट, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ह्यूज है, जितनी सेल होती है उसका 50-60% उनका प्रॉफिट होता है, और ये RIL ONGC 5-10% भी प्रॉफिट नहीं होता उनका। टॉप लाइन इंपॉर्टेंट है मगर बॉटम लाइन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटर्स टर्नओवर रेशो, अरे यार ये क्या दे दिया, ये तो हमको आता ही नहीं। अच्छा, क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स, फॉर्मूला दिया है? सर मेरे को तो नहीं आया फॉर्मूला, तो जैसा है उसको यूज करो, आने नहीं आने की क्या बात है इसमें। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट सेल्स जो है डेटर्स से 4 गुना है, यानी क्रेडिट सेल को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, डेटर्स। पर सर ये तो डेटर्स सेल पे आ गए। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, तो ऐसा नहीं भी लिखा हुआ है ना बेटा, तो भी वर्किंग तो आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। हाँ नहीं तो आप लिख दो विच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड, ऑप्शन 1, और फिर नोट डाल दो डिटेल तूने पूछी नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। ग्लोबल फेल्ड्स कॉर्पोरेशन, कौन सा क्वेश्चन 4? ईजी है, कर लेना यार। क्या अभी क्या कर लेना, छोड़ो यार टाइम पास हो जाएगा। छोड़ो यार मैं करता हूँ, मैं और अच्छा टाइम पास करूँगा, देखो तो सही यार। और वाह वाह, हाँ हाँ, गाना गाना गाना, वाह। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। Take your time to understand the question, then I will explain, then you will solve it now.
चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार, मतलब आपने तो अपनी अकल लगा ली पूरी, और लगानी है थोड़ी, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखना कि आपने सही अकल लगाई थी कि नहीं। ग्लोबल फेल्ड्स कॉरपोरेशन प्रेजेंटली गिव्स टर्म्स ऑफ नेट 30 डेज। हमने कस्टमर को बोला है कि जब हम सेल्स करें वहां से 30 डेज में पेमेंट कर दे वो। इट हैज ₹60 मिलियन इन सेल्स, क्वेश्चन मिलियन में स्टार्ट हुआ है, तो हमारी सारी स्टेप्स भी मिलियंस में ही चले, फिर हमको जीरो ढूंढ ढूंढ के लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा है कम है तो हमारा काम कम हुआ। एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दो दो क्रेडिट पीरियड दे दिए तो एवरेज कर लें क्या, 30 पे चलेंगे 45, वोट फॉर 30, एक भी वोट नहीं पड़ा, वोट फॉर 45, ऑल वोट्स। हमारे 30 डेज बोलने से क्या होता है, कस्टमर नालायक एक नंबर का अव्वल दर्जे का, वो 45 डेज में ही पेमेंट करता है, तो फिर इंटरेस्ट का बर्डन 45 डेज के लिए ही आएगा। अरे मैं आपको बोला था कि छुट्टियों में पढ़ लेना, तो क्या हुआ, उससे क्या है, आपको नहीं पढ़ना था तो आप नहीं पढ़े, और आप टाइम की क्राइसिस फेस कर रहे हो तो करो, आगे भी ध्यान रखना इस बात को, जब जब मेरी सुनोगे तब तब फायदे में रहोगे, जब जब नहीं सुनोगे तब तब नुकसान उठाओगे। टू स्टिमुलेट डिमांड द कंपनी में गिव टर्म्स ऑफ नेट 60 डेज। इस पे हम ऑफर करना चाहते हैं उनको अब 60 डेज, तो ये इतना लाएंगे कि अपने मन से और बढ़ा के पेमेंट करेंगे 75 डे, जिसे क्लास का कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लो। कुछ बच्चे 10-15 मिनट यूजुअली लेट आते ही हैं, सुबह 6 बजे है, कुछ है क्या परमानेंट ग्राहक, तो ऐसा इनका भी है डेटर्स का। मुद्दा यह है कि 30 डेज और 60 डेज किसी काम के नहीं है, हमारे काम आएंगे 45 डेज और 75 डेज। इफ इट इंप्लीमेंट्स दीज टर्म्स सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%, 69 मिलियन हो जाएगी। आफ्टर द चेंज एवरेज कलेक्शन पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू 75 डेज विद नो डिफरेंस इन पेमेंट हैबिट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कस्टमर्स। वेरिएबल कॉस्ट आर ₹80 फॉर ₹100 ऑफ सेल्स एंड द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 20%। क्या करूं 20% का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अच्छा एक मिनट, फिक्स कॉस्ट तो बताई नहीं है, 12 मिलियन, कैसे 60 मिलियन का ढूंढे। अच्छा यू वांट टू से कि अगर 80% वेरिएबल कॉस्ट है तो बचा हुआ 20% फिक्स कॉस्ट, तो भजन कीर्तन करेंगे फिर बच्चे, प्रॉफिट तो नहीं, 60 मिलियन का कितने बच्चे बोल रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट है कुछ ना कुछ, और कितने बोल रहे हैं कि जीरो मानो, यस नहीं दी है तो कितनी मान लो, जीरो, कहां से लाएंगे, फिक्स कॉस्ट नहीं है तो सर तो ऐसा थोड़ी होता है कि फिक्स कॉस्ट नहीं हो, क्वेश्चन में सब होता है। अब क्वेश्चन में तो इनकम टैक्स भी नहीं है, कितना मजा है सर इनकम टैक्स ना देना पड़े तो, अरे अभी तो सरकार मार मार के वसूल रही है, आईडीएस क्या लेके आ गया, मतलब वो तो टैक्स टेररिज्म की तरफ आ गए, कर आतंकवाद की तरफ, बंदूक लेके ढूंढ ढूंढ के मार रहे लोगों को, तो हकीकत में तो टैक्स है और बहुत बैडली है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं है तो अच्छा है, कम से कम यहां तो सुकून पाए हम। सिर्फ दो स्टेप्स बनेगी, एक चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा चेंज इन इंटरेस्ट। डू इट नाउ, यू हैव 3 मिनट्स। अरे नहीं होमवर्क नहीं, अब भी करो, होमवर्क में दूं, अभी करना है, कितने बोल रहे हैं अभी करना है तो करो, 3 मिनट का समय, आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम अप। पहला है चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम क्यों ये रट लें कि हर बार हमको एक टेबल ही बनानी पड़ेगी, जब इंक्रीमेंटल करना है तो एक ही बात है बस, प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग का डिफरेंस। तो सेल्स बढ़ रही है 9 मिलियन और उस पर 20% 1.8 मिलियन। दूसरा है चेंज इन इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए इसको हम ऐसा करते हैं कि एग्जिस्टिंग डेटर्स निकाल लेते हैं अलग, 60 मिलियन पर 45 डेज 7.5 मिलियन, और प्रपोज डेटर्स निकाल देते हैं अलग, 69 मिलियन पर 75 डेज 14.375। तो इंक्रीमेंटल डेटर्स आएंगे कितने, 6.875। ये डेटर्स बढ़ गए, इस पर इंटरेस्ट लगा देंगे 20% 1.375। नहीं नहीं कॉस्ट, एक मिनट, कॉस्ट पे ला सकते हैं ना, इसमें कॉस्ट दी है ना। हाँ आई एम सॉरी, ये सेल्स पे थोड़े होगा, ये तो कॉस्ट पे होगा। चलो तो अभी कॉस्ट लगा लेते हैं ना, बाद में क्या दिक्कत है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ढंग से कर देता हूं मैं इसको थोड़ा, इसका 80% कॉस्ट है कितना, 48 मिलियन। ना ना मिलियन इंटू 45 बाई 360 इंटू 80% 6 मिलियन। जो पूछा उसका जवाब दो, जो आपको आता है उसका नहीं। 11.5 एग्जाम में भी यही करते हो, उसने क्या पूछा मेरे क्या मतलब, मैं तो वो बताऊंगा जो मुझे आता है। 5.5 बस, इस 5.5 मिलियन पर 20% क्या, ये हो गया 1.1 मिलियन और स्टेप नंबर 3 हो जाएगा नेट। अभी नेट निकालने के लिए हम बोलेंगे कि प्लस 1.8 माइनस 1.1 इक्वल टू प्लस 0.7। कहते हैं हटाओ लोग, पढ़ाऊं कि सवाल पूछ लूं, बोर्ड कर रहे कितने बच्चे बोल रहे हैं 20-20 कर लो आप तो, कितने बोल रहे हैं नहीं नहीं रहन दो भैया पढ़ा लो। बेटा एक बात मेरे समझ में आ गई कि आपको जितना समय दो उतना आपको कम पड़ता है। कल भी सिर्फ टैक्सी क्लास लगी है, क्लास के नाम पे है ना 2 घंटे, आज भी 1 घंटा लेट ही आए हो आप, 9 बजे आए हो रैदर देन जो आप 8 बजे आते हो। सो व्हेन यू हैव मोर टाइम यू वांट टू वेस्ट मोर टाइम। अच्छा ये हो कि सुबह 8 से रात को 8 तक पढ़ाया जाए और दर्जन भर होमवर्क आपके ऊपर लाद दिया जाए, देन यू वर्क बेटर, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स नहीं पहले हम करेंगे 7। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट एट ₹30 पर यूनिट विद अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट, द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट टू ₹6,25,000 पर एनम एंड द टोटल एनुअल सेल्स इज ₹75 लाख। सारी इंफॉर्मेशन रेडीमेड है, सेलिंग प्राइस मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है 2/3 हो गई इससे पता चलता है, और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/3, फिक्स कॉस्ट 6,25,000, सेल्स है 75 लाख, और आपको बोल रहे हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 1 मंथ इज डबल्ड
मतलब 1 month की जगह क्रेडिट फैसिलिटी कर दें 2 months, सेल्स कुड बी इंक्रीज बाय ₹6 लाख पर एनम, मतलब जो सेल्स 75 लाख है वो 81 लाख हो जाएगी। द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 20% प्रायर टू टैक्सेशन जस्टिफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस कोर्स कैन बी अडॉप्टेड। डू इट नाउ क्विक। क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ लो, हर एक स्टेप को ये समझ के सॉल्व करो कि एक्चुअली उसमें आप क्या कर रहे हो, देन सॉल्व इट। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप दो अलग अलग प्रपोजल बना के पूरे पूरे सॉल्व करते हैं तो आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब कुछ कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप इंक्रीमेंटल चलना डिसाइड करते हैं तो ना सेल्स लेना है, ना वेरिएबल कॉस्ट लेना है, ना फिक्स कॉस्ट लेना है, सिंपली आपको लेना है चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ये प्रेफरेबल है कि आप इसको इंक्रीमेंटल बेसिस पे ही सॉल्व कर दीजिए। आप इंडिविजुअल कर सकते हैं बट बिलीव मी इंडिविजुअल ज्यादा लंबा महंगा पड़ेगा आपको। न्यू इज बेटर। स्टेप नंबर 1, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। Now this is very simple. Sales बढ़ रही है 6 लाख और contribution आना है 1/3, तो contribution कितना आएगा 2 लाख। वो question 1 में देख के आपको ऐसा लग रहा था कि individual चलना ही सस्ता और आसान पड़ेगा, पर मैंने कहा था कि incremental चलना ज्यादा अच्छा रहेगा। देख लो अभी इस question में भी ये चीज दिख जाएगी आप। Step number 2, चेंज इन इंटरेस्ट कॉस्ट।
लुक एग्जिस्टिंग डेटर्स अगर हम निकालें तो सेल कितनी है 75 लाख, उसके 2/3 हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितनी है 6,25,000, तो 56.25 लाख क्या हो जाएगी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस पर कितने मंथ्स का पीरियड है, 1 मंथ। वन बाय ट्वेल्व, हाँ 1/3 थोड़े करेंगे, 1 मंथ का ग्रेट पीरियड है ना, 4,68,750 प्रपोज डेटर्स, प्रपोज डेटर्स 75 लाख नहीं 81 लाख की सेल हो जाएगी ना, 81 लाख का 2/3 वेरिएबल कॉस्ट प्लस 6.25 लाख फिक्स कॉस्ट, इस पर कितना महीना हो गया 2 मंथ्स, 10 लाख, 4,000, 167। तो इससे चेंज आ जाएगा कितना, 5,417। इस पर कितना परसेंट, 20%, 1,07,0,83। ये कॉस्ट है या बेनिफिट, कॉस्ट है, क्योंकि डेटर्स बड़े हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा मतलब हमारे लिए ये कॉस्ट है और 2 लाख रुपए हमारे लिए बेनिफिट है, तो नेट बेनिफिट 92,917। तो मतलब प्रपोजल होगा एक्सेप्ट, जिन लोगों ने 2 अलग प्रपोजल बना के सॉल्व कर लिया है दे नीड नॉट टू वरी, उनके जो 2 फाइनल 2 आंसर आएंगे उन दोनों का डिफरेंस इतना ही आएगा, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपने इंटरेस्ट ही गलत निकाला है ना बेटा, 468,750 की डेटर्स हैं, 468,750 के डेटर्स हैं, उस पर 20% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 93,750 पहला वाला, अगर आप इंटरेस्ट गलत निकालेंगे तो आंसर भी गलत आएगा, बी केयरफुल कि अगर आप इंडिविजुअल भी कर रहे हैं ना बेटा तो ये 2 डेटर्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे और इन पर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अलग अलग, इस पर इंटरेस्ट और इस पर इंटरेस्ट, ठीक है, बाकी कल देखते हैं, थैंक यू।